हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि वीडियो ऑफिसर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ग्राम विकास अधिकारी कैसे बने इससे जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीडियो को गांव में ग्राम सेवक या ग्राम अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वीडियो क्या है, वीडियो ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, एज लिमिट कितनी होती है, साथ ही वीडियो ऑफिसर बनने की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम कौन से होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, साथ ही इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप भी ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ग्राम विकास अधिकारी बनने के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी की बात करें तो अधिकांश युवा सरकारी नौकरी करने का सपना देखते हैं और उसे पाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। इसका कारण ये है कि वे मेहनत नहीं करते हैं और इस नौकरी से अनजान होते हैं, इसीलिए वे सफल नहीं हो पाते हैं। यदि आप भी वीडियो ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं और आप उस सपने को पूरा करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस जॉब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और साथ ही इसके लिए लगन के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी आप अपने सपने को पूरा करने में सफल हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्राम विकास अधिकारी क्या है यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर क्या है, वीडियो ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, इन सभी बातों को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, यदि हम ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करें तो ग्राम विकास अधिकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक एम्प्लॉई है जो गाँव के सरपंच के साथ मिलकर गाँव के विकास के लिए काम करता है और योजनाओं को ग्राम पंचायत के लोगों के बेनिफिट के लिए लागू कराता है, जिसे हम ग्राम विकास अधिकारी या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में वीडियो ऑफिसर कहते हैं। इसके अलावा इन्हें सचिव या ग्राम सेवक भी कहा जाता है। 200 ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद बड़ा होता है, इसीलिए उनके पास गांव के प्रति कई जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हें गाँव के बेनिफिट के लिए कई कार्य करने होते हैं, इसीलिए गाँव के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त करती है। दोस्तों, वीडियो ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी के साथ गांव के लोगों के बेनिफिट के लिए ग्राम पंचायत में कई योजनाओं को लागू कराते हैं, जैसे कि पेंशन, खेती की योजनाओं के साथ साथ कई अन्य योजनाएं भी लागू करवाते हैं, इसीलिए ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के पास सभी सरकारी योजनाओं का लेखा जोखा होता है और इसके अलावा ग्राम पंचायत का कोई भी काम या गांव के लोगों के डॉक्यूमेंट्स से संबंधित काम बिना ग्राम विकास अधिकारी के पूरे नहीं किए जा सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होती हैं। दोस्तों, बात करें विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के लिए योग्यताओं की, तो दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी वीडियो बनने के लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के 12वीं कक्षा में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट के पास कंप्यूटर कोर्स में CCC डिप्लोमा सर्टिफिकेशन होना कंपलसरी है। दोस्तों, वीडियो ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप OBC या SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको नियम के अनुसार सरकार के द्वारा मैक्सिमम एज लिमिट में कुछ छूट दी जाती है, जैसे कि OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज 3 साल की छूट दी जाती है और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, यदि आप ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से पहले आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी। उसके बाद आपको किसी अच्छे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आपको कंप्यूटर में कंप्यूटर कोर्स CCC कोर्स करना होगा, क्योंकि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के लिए कंप्यूटर कोर्स करना कंपलसरी है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर कोर्स के साथ 12वीं कक्षा पास करने के बाद वीडियो ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ऑफिसर बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वीडियो ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम का आयोजन राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है, जिसे 3 चरणों में डिवाइड किया गया है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है।
दोस्तों यदि आप रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट जैसे तीन चरणों की एग्जाम को आप सफलतापूर्वक पास करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। साथ ही फिजिकल टेस्ट के लिए जरूरी बातों को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत के साथ फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी होगी ताकि आप फिजिकल टेस्ट पास कर सकें। यदि आप इन तीनों चरणों की एग्जाम को सफलतापूर्वक पास करते हैं तो आप ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए नियुक्ति होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वीडियो ऑफिसर बनने की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों यदि आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित तीन चरणों की एग्ज़ाम को आपको पास करना होगा। रिटेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट। दोस्तों बात करें रिटेन एग्ज़ाम की तो दोस्तों विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के लिए आपको पहले चरण की रिटेन एग्ज़ाम देनी होती है और इस रिटेन एग्ज़ाम में आपसे हिंदी राइटिंग एबिलिटी से 30 मार्क्स से सवाल, जनरल एप्टीट्यूड से 20 मार्क्स से सवाल और जनरल अवेयरनेस से 30 मार्क्स से सवाल पूछे जाते हैं और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही आप ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के लिए आप रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जिसमें आपसे जनरल नॉलेज और नौकरी से रिलेटेड कई सवाल पूछे जाते हैं जो 20 मार्क्स से होते हैं। यदि आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आपको आगे के फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों जैसे ही आप ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के लिए इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर जाते हैं आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जिसमें आपको एक्सरसाइज, दौड़, साइकिल रेस, लंबी कूद, पैदल चलना आदि का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। यदि आप अंतिम चरण की फिजिकल टेस्ट में आप सफल हो जाते हैं तो आप वीडियो के पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। दोस्तों बात करें विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के कार्यों की तो दोस्तों विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का काम गांव के सरपंच के साथ मिलकर गांव की देखरेख करना और लोगों के लिए योजनाओं को लागू करना विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है। गांव में सड़क व्यवस्था और बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करना विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है। गाँव की शिक्षा प्रणाली की देखभाल करना विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है। डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करना विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए गांव की सहायता करना विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है। गांव की एनुअल प्लानिंग और प्रोग्राम्स को सही तरीके से लागू कराना विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है। 200 ग्राम विकास अधिकारी का काम गांव की समस्याओं को जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना होता है ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। दोस्तों इसके अलावा कई अन्य कार्य भी ग्राम विकास अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होता है। दोस्तों यदि हम ग्राम विकास अधिकारी की सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी लगभग 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये मंथली तक होती है। इसके अलावा इन्हें ग्रेड पे भी दिया जाता है क्योंकि कोई भी अधिकारी एक अच्छी सैलरी चाहता है ताकि वो अपना ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जी सके। दोस्तों अब मैं आप लोगों को विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूँ। पहला सवाल है वीडियो का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वीडियो का फुल फॉर्म विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। दूसरा सवाल है ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से 12वीं कक्षा किसी भी स्ट्रीम में 60% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। साथ ही कंप्यूटर कोर्स में CCC डिप्लोमा सर्टिफिकेशन होना कंपलसरी है। तीसरा सवाल है ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए एज लिमिट कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसमें OBC और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एज लिमिट में कुछ छूट दी जाती है। चौथा सवाल है वीडियो का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो का फुल फॉर्म विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जिसे हिंदी में ग्राम विकास अधिकारी या फिर ग्राम सेवक भी कहा जाता है। पांचवा सवाल है वीडियो ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम्स कौन आयोजित कराता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम का आयोजन राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित किया जाता है।
छठा सवाल है, ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति कैसे होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा 3 चरणों की एग्ज़ाम के माध्यम से होती है, जिसमें फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम शामिल हैं। जो कैंडिडेट इन 3 चरणों की एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं उन कैंडिडेट की नियुक्ति ग्राम विकास अधिकारी के पद पर की जाती है। 7वां सवाल है, ग्राम विकास अधिकारी की सैलरी कितनी होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की सैलरी लगभग 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये मंथली होती है, साथ ही इन्हें ग्रेड पे भी दिया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।